अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द गोल्डन कोड यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है ऑन द टॉपिक ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम किसी ना किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, तो इन में से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फिर हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो हमारे पास ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि कौन सी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं जो हमें हमारे पास प्री नॉलेज की तरह हमारे पास काम आती हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन लैंग्वेज हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें 10 या बाइनरी कोड का पता होना चाहिए। अगर हम असेंबली पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होते हैं, मेमोरी बफर्स क्या होते हैं और हमारी मेमोरी किस स्ट्रक्चर से बनी होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या चीज़ है, इंग्लिश के करेक्टर क्या चीज़ हैं, ए किसको कहते हैं, सिंपल बी किसको कहते हैं। इस तरह की नॉलेज, जैसे कि हमारे पास प्री नॉलेज होती है, वो हमें पता होना चाहिए। इस वजह से ये टॉपिक मैंने ज़रूरी समझा कि इस सीरीज़ के अंदर होना चाहिए। हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, फिर हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर बनाई हुई है जिसको समझना ईजी रहेगा। तो हम उस पिक्चर को डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं और इससे समझते हैं। तो ये हमारी पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि बॉटम टू टॉप अगर आप जाते जाएँ तो बॉटम पे सबसे पहले हार्डवेयर है जो कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का बना होता है। इसको मैं बाद में ज़बरदस्त एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। मशीन लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में होती हैं, मतलब बाइनरी नंबर्स जो भी होंगे वो हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज होगा। उसके बाद फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है कि वो डायरेक्ट वन एंड ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन क्लोज़र टू मशीन लेवल लैंग्वेज और हार्डवेयर है। तो जो असेंबली है उसके अंदर हमें डायरेक्ट बफर, मेमोरी, रजिस्टर टाइप से हमें डायरेक्ट वास्ता पड़ता है, तो इसलिए इसको हमने कैटेगरी दे दी है कि लो लेवल लैंग्वेज। आप इधर ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन जो फॉलो और मतलब हमने ये लाइन लगाई हुई है, इसके नीचे जितने भी हैं वो सारे लो लेवल लैंग्वेज हैं। तो जो भी लैंग्वेज हमारी क्लोज़र टू हार्डवेयर या क्लोज़र टू मशीन होगा, जिससे हम डायरेक्ट हम मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, बफर हो गया, ALU हो गया, ये सब हार्डवेयर के टाइप, मतलब हार्डवेयर के अंदर आते हैं सारे चीज़ें। तो जिस लैंग्वेज के ज़रिए हम डायरेक्ट हार्डवेयर को हाथ डालते हैं तो वो मतलब कि हमारे लो लेवल लैंग्वेजेस होंगे। उसके बाद बात आती है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जिसको समझने के लिए सिर्फ इंसान को इंग्लिश और मतलब ABC के करेक्टर, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो सबसे पहले हमारी वो लैंग्वेज है जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो सीरीज़ में, जो कि जिसका नाम C++ है। उसके बाद हमारे पास C# है, रूबी एंड आर है, जावा एंड जावास्क्रिप्ट है। ये सारे हमारे जितने भी लैंग्वेज हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे अगर बॉटम टू टॉप जाते जाएं तो हमारे पास पहले हार्डवेयर आता है, फिर मशीन आता है, फिर असेंबली आता है, फिर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो अब बात यह है कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस से हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी सॉफ्टवेयर लिखना है वो हमने C++ पे लिखना है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको कहा था कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन कर दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम किसी भी हार्डवेयर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो है वो एक C++ लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें लिखी हुई है। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज से हार्डवेयर को किस तरह कंट्रोल में ला सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया।
तो इस क्वेश्चन का जवाब हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे कि ये अभी डिजिटल लॉजिक डिजाइन है, तो ये जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन है इसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीज होती है। ये कुछ हमारे पास चीज है जिसको हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन कहते हैं। इस तरह के मतलब ये एंड गेट्स, नॉर गेट्स, और गेट्स, इस तरह से मिलके कोई ना कोई लॉजिक डेवलप हुई पड़ी हो, तो ये हमारे पास उसको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक गेट्स। तो अब ये जो सर्किट बना हुआ है, ये कुछ ALU का सर्किट बना हुआ है जो कि हमारे CPU के अंदर एक पार्ट होता है ALU। तो हमारा एक CPU बहुत ही छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बहुत ही लॉजिक टाइप एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन सारों को हम क्या कहते हैं कि एक ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। इसका अगर हम डायरेक्ट मदरबोर्ड पे इसका व्यू देखें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप की होगी। ये देखें, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डायरेक्ट मदरबोर्ड से हमने लिया है। तो ये जो चीज़ें बनी हुई है, ये सारे हमारे गेट्स हैं। ये सब गेट्स मिलके मतलब कोई ALU बना देता है, कोई हमारे पास मेमोरी बन जाती है, किसी तरह हमारे पास हमारे पास रजिस्टर बन जाते हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर रखते हैं। तो ये हमारी बेसिकली ये सारे हमारे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन होते हैं। अब हमारी बात, हमारा जो क्वेश्चन था कि किस तरह हाई लेवल लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, हम इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि ये हम क्या चीज़ हो रही है। तो अब C++ हो गया कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट जो भी हैं उनकी ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो प्री नॉलेज हमारी इंग्लिश यूज़ होगी, जो हर कोई अब आज के दौर में हर कोई जो समझता है इंग्लिश को, तो ये हमारे लिए ईजी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह हार्डवेयर तक लेके जाते हैं। अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको कंपाइल करने के लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन किया था प्रोग्रामिंग का। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसको कंपाइल करता है जी, उसका नाम जो होता है वो कंपाइलर होता है, जो मैंने आपको बताया था। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर के थ्रू एक कोड जनरेट हो जाता है, कंपाइलर के थ्रू, हाई लेवल लैंग्वेज का कंपाइलर के थ्रू एक कोड जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं असेंबली कोड। अब असेंबली कोड हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इस पोर्शन तक पहुंचाती है, मतलब लो में आ जाती है आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जब असेंबली कोड में आ जाती है तो उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारी वो असेंबली कोड को उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो वो वन एंड जीरोज में चला जाता है, सारा जो भी हमारी लॉजिक होती है वो सारी क्या चली जाती है, वन एंड जीरोज फॉर्म में। तो आपको बेसिकली आपको पता होगा कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन एज अ इनपुट क्या लेते हैं, वन एंड जीरोज लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक एंड गेट है, तो इस एंड गेट की अगर एक इनपुट पर जीरो हो, दूसरे इनपुट पर वन हो, तो एंड हो के इसका रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो। जीरो ट्रांसफर होगा हमारे पास किसी ALU के किसी एक पॉइंट के ऊपर, जाके वो जीरो इनपुट हो जाएगा एज अ इनपुट। तो सेम इसी तरह हमारा जो असेंबली कोड था, सॉरी, जो हमारा हाई लेवल कोड था कंपाइलर के थ्रू वो असेंबली कोड में कन्वर्ट हुआ, असेंबलर के थ्रू हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि हमारा वन एंड जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब वो वन और जीरो जब एज अ इनपुट डिजिटल लॉजिक डिजाइन को मिलेंगे तो जो भी आउटपुट बनेगा तो हमारा हार्डवेयर उस आउटपुट के लिहाज से वर्क करेगा। तो मतलब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज से हमने हार्डवेयर को कंट्रोल कर लिया। तो ये हमारा सारा प्रोसेस होता है एज अ बैकएंड। हम सिर्फ C++ के अंदर या C# के अंदर हम इजीली कोड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो सारा काम होता है वो हमारी मशीन या हमारे जो प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि कंपाइलर है, असेंबलर है, वो बाद में करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो इस सब के बारे में था। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम C++ जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, और उसको समझने के लिए हमारे पास जो प्री नॉलेज है वो क्या होना चाहिए। तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।
जहाँ हमारा टॉपिक होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो इस टॉपिक के ऑनवर्ड्स जो जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो हमारे सिर्फ सी प्लस प्लस के लिए होंगे, और उसके अंदर हम सी प्लस प्लस को फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। बस लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस यूट्यूब चैनल से और हमारी इस प्रोग्रामिंग सीरीज से मुस्तफीद हों। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।